सो हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं रियलमी 5i है और ये फ़ोन में जो है ऐप लॉक हो गया है और ऐप लॉक इस तरह का लगा है कि आप सेटिंग में भी नहीं जा पाएंगे और इसका जो कस्टमर लॉक लगाए हैं वो भूल चुके हैं ऐप लॉक, और जो मेन मेनू वाला लॉक है वो वाला आप जो है कस्टमर को पता है लेकिन ये लॉक नहीं पता, जो सारा ऐप लॉक लग गया है, कॉल में भी जा रहा है सब जगह ऐप लॉक लग गया है। ऐप लॉक लगने की वजह से कोई सेटिंग वगैरह में नहीं पहुँच पा रहे हैं और अब इसे जो है रिसेट किस तरह से किया जाएगा, कैसे ही होगा, तो इस वीडियो में कंप्लीट बने रहे। यदि आपका भी ऐप लॉक हो जाता है तो किस तरह से इसे आप सॉल्व करेंगे, तो हमने कई सारा मेथड ही इसमें ट्राई किया। तो ये फ़ोन जब ही हम रिसेट मोड में ले जाते हैं क्योंकि इसका डिस्प्ले भी चेंज है, कॉपी डिस्प्ले लगाने के बाद तो वाइप डाटा आप जैसे जाते हैं यहाँ पर कोड जनरेट आप कर भी लेंगे और आपका यहाँ पर टच वर्क नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे यूज़र को देखने को मिलता है। तो जो भी आपका डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं लगता, कॉपी लगता है तो उसके बाद टच वर्क नहीं करता रीसेट मोड में, तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है। हमने ट्राई कर लिया और हमने कई बार जो है इसमें ब्लूटूथ के जरिए एक अलग से सेटिंग ऐप सेंड करने की कोशिश की, वो भी यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो रहा था। तो हमने बहुत सारा मेथड इसमें यूज़ कर लिया, नहीं हुआ, और विदाउट पीसी मेथड ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, तो हम इसे जो है पीसी थ्रू रीसेट करेंगे और अनलॉकिंग टूल के हेल्प से इसका जो है बाईपास होगा और ये फ़ोन फॉर्मेट होगा, तब जाके ये होगा, नहीं तो इसका पूरा न्यू फॉर्मवेयर डालेंगे, नहीं तो इसके जो है ISP इसकी IC को भी जो है जंपर करके इसे रिसेट करना पड़ेगा। देखिए हमने जो है इसके जो है नए फॉर्मवेयर को डाउनलोड किया और इसे अपग्रेड कर दिया और फाइनली ये ऑन हो चुका है रियलमी 5i। और इसके जो है अबाउट में हम आपको चलिए दिखाते हैं और फाइनली अब ये जाके खुल गया और इसकी जो बैक पैनल को हमने गम लगा के सटा दिया और यहाँ पर रबड़ भी लगा दिया और ये फ़ोन अनलॉक हो गया। तो इस तरह से यदि आपके फ़ोन का ऐप लॉक हो जाता है और आप भूल जाते हो और पासवर्ड सिक्योरिटी काफ़ी दिन से पड़ा था तो फाइनली हमने खोल दिया, ये रियलमी 5i हो गया है ऐप लॉक डिसेबल और फ़ोन भी रीसेट फॉर्मेट हो चुका है और ये वर्क करने लगा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी भी जो है आप इसके रीसेट मोड में जाओगे वहाँ पर ये टच नहीं वर्क करता। तो इस तरह के बहुत सारे रियलमी के फ़ोन में प्रॉब्लम आते हैं जिसमें आप टच आप ओप्पो में भी देखोगे, जब भी आप टच चेंज करोगे तो आप रीसेट मोड में जाओगे तो आपका कोई कोई मॉडल में हो रहा है, ऐसे बहुत सारे फ़ोन मॉडल में हो रहा है। इसके ऊपर मैंने दो एक और भी वीडियो कुछ दिन पहले डाली थी, तो आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहो और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।